गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का दिन होने वाला है बड़ा ही अमेजिंग एंड बिजी। सो आज हम हमारी दोनों बाइक्स में करवाने वाले हैं बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, मतलब उसमें थोड़ी सी चीज़ें रिपेयर करवानी है मुझे। एंड इसके पैनियर के रेल्स आ चुके हैं, रेडिएटर का गार्ड आ चुका है एंड विंडस्क्रीन हमने लगाई ली थी। और ये कोको को देखो, और बस थोड़ा बहुत और काम करवाना है तो फटाफट चलते हैं, बहुत सारे काम है आज। और ये जाने नहीं देता है बस चुकू जी। तो चलो चलते हैं और आज का दिन करते हैं स्टार्ट। अभी तक हमारी 20 चल चुकी है 265 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर्स में ही और चलानी है और फिर फर्स्ट सर्विस होगी। और अभी तक एक्चुअली एवरेज बहुत अच्छा दिया है इसने, मतलब अभी तो वैसे इतनी जल्दी मुझे करना नहीं चाहिए कैलकुलेट, बट फिर भी ऑलमोस्ट 32-31 का एवरेज दिया है, तो बहुत ही बढ़िया है यार। इतना तो मुझे मेरी एक्सप्लोर में नहीं मिलता था, मतलब ओल्ड हिमालयन में नहीं मिलता था जितना मुझे अभी दे रही है ये, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। और अब चलते हैं फटाफट, जो जो मॉडिफिकेशन हमें आज से करवाने स्टार्ट करना है वो कर देते हैं। वो तो बंदे रुकते ही नहीं है सिग्नल पे। ये तो देखो कैसी बीस्ट जाती है यार अपनी, एकदम सुपर बाइक्स टाइप। और इसके आगे से भी कुछ आवाज़ आ रही है, तो मैंने बात करी थी तो इसका लॉकिंग नट में कुछ परफेक्ट टॉर्क पे वो एडजस्ट नहीं है जो ये वाला नट है, सो उसको भी करवा लेंगे। आई होप उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाइक में एक प्रॉब्लम नहीं है टचवुड, बट सिर्फ एक ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, दैट्स इट। और ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब पुरानी हिमालयन को तो मेरे हिसाब से बनाने में ही मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गए थे, तो ये तो बढ़िया ही है। फिर भी वेरी स्मूथ एंड गियर शिफ्टिंग तो पता ही नहीं लगती है, तो आज बढ़िया पैनियर रेल्स लग जाएंगी हमारी बाइक पे, और फिर उसके बाद हमारे ओल्ड पैनियर्स इस पर हम लोग फिट कर सकते हैं और टूरिंग रेडी हो जाएगी फिर बाइक। और जल्दी से नया टॉप बॉक्स भी लेंगे, सो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रखी है, तो वो धीरे धीरे आती रहेंगी और आपको रेगुलर ब्लॉग्स में पता लगते रहेंगी चीज़ें। तो वैसे बहुत सारी एसेसरीज़ मैंने यहाँ वहाँ से ऑर्डर कर रखी है, जैसे विंडस्क्रीन तो मैं खुद राइडर जंक्शन से ले आया था, एंड कुछ रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल एसेसरीज़ हैं और कुछ अलग अलग वेबसाइट से ऑर्डर कर रखी है। समझ, अरे हाँ बोल यो। तो आ चुके हैं, अब फटाफट लगवाते हैं एसेसरीज। क्या नहीं रे, फर्स्ट सर्विस पे बस आई गई है 101 किलोमीटर में। हमारी रेडिएटर ग्रिल नहीं अभी तो है, दिखाओ, बढ़िया लग रही है वैसे तो। उसमें यहाँ पे लिखा शेरपा 420 452 ऐसा कुछ, 452 नहीं 420 थी। लग तो बढ़िया रही है, और सम गार्ड के साथ भी अच्छी लगनी चाहिए मेरे ख्याल से, सम गार्ड भी अपना इसी कलर का आएगा। और ये है पैनियर की रेल्स, पुरानी जैसी है बस, नहीं हल्की है। साथ आए हुए दो रिफ्लेक्टर्स भी, वेरी नाइस यार, इसको खोल के देखते हैं। वो 3M के साथ आए हैं, बहुत ही बढ़िया, कहीं भी चिपका सकते हैं। बहुत सी। और ऐसी कुछ है नहीं रेल्स नई, क्योंकि पुरानी वाली जो है वो फिट नहीं हो रही थी इस पर, ग्लॉस फिनिश में, इसको अपन पीली नहीं करेंगे। ये खुल रही है अपनी रेडिएटर की ग्रिल, एंड ये वाली लग जाएगी बढ़िया, तो प्रोटेक्शन अच्छी हो जाएगी इससे, और रेल्स लग जाएंगी तो आज थोड़ा गाड़ी का लुक भी परफेक्ट हो जाएगा। अभी तो बहुत खाली खाली लग रही है मुझे, सारी गार्ड मैंने उस दिन निकाल दिया था, और ये बहुत अच्छी चीज़ लगाई है, ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी, अभी थोड़ी सी गंदी है। ये है जाना का साइड स्टैंड एक्सटेंडर, और ये बहुत बढ़िया काम करता है, तो सही है। अब फटाफट से रेडिएटर ग्रिल लगवाते हैं एंड पैनियर की रेल्स लगवाते हैं, और उसके बाद हैंड गार्ड्स भी हैं तो हैंड गार्ड्स भी लगवाने हैं। विद द ओल्ड एंड विद द न्यू,
एंड ये है प्लास्टिक की, तो इसमें आई थिंक बहुत कम एयर जाती होगी। और अब लग रही है तगड़ी, मस्त लुक आ रहा है और बाइक के साथ मैच भी करिए, सबसे अच्छी बात यह है। बढ़िया है, आज इस पर कुछ स्टिकरिंग भी हो जाएगी आई होप। इस बार के पैनियर की रेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये कुछ अटैचमेंट्स भी दिए हुए हैं उसमें, तो ये अच्छी बात है। लगा दो लगा दो। और सिंपली ये दो स्क्रूज खोलें और फिट कर रहे हैं बढ़िया पैनियर की रेल्स, और पैनियर्स भी इस कलर के हम लोग करवा लेंगे, फिर तगड़ी लुक आने वाली है बाइक की। जितना सिंपल लग रहा था उतना सिंपल है नहीं कि सिर्फ ये दो नट खोल लें, एक्चुअली ये वाले जो स्क्रूज हैं मतलब बोल्ट है वो भी खोलने पड़ेंगे, और एक तो काफ़ी अंदर छुपा हुआ है वो, तो उसको खोलने के लिए पूरा आई थिंक ये फेंडर नीचे आएगा और फिर मडगार्ड नीचे आएगा और फिर ये खुलेगा। तो इसका ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, बैटरी बाहर की बाहर ही है, नहीं तो हमारे यहाँ पे कहीं छुपी हुई थी और वो साइड का थोड़ा सा एक्सपोज रहता था। एंड ये है सारे रिलेस, ये आ गया चार नट में पूरा मडगार्ड बाहर, और पुराने उसके जैसे पूरे एक एक वायर्स नहीं है इंडिकेटर्स के, सिर्फ एक कपलर है और एक कपलर जोड़ के पूरे दोनों इंडिकेटर्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड ब्रेक लाइट्स भी। तो ये बहुत अच्छा किया रॉयल एनफील्ड ने, रख देते हैं इसको संभाल के, एंड बढ़िया लुक आ रहा है ऐसे भी। तो एडिशन है जाना का फोर्स ग्लाइडर्स, और ये आई थिंक बहुत ज़रूरी चीज़ है, छोटे मोटे क्रैशेस में भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, ये बढ़िया चीज़ लग जाएगी। जितनी प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं वो तो सारी हम पूरी लोडेड कर ही देंगे, और बहुत ही जल्दी बहुत तगड़े वाले इसके क्रैश गार्ड्स एंड सम गार्ड आने वाला है, सो उसके लिए वेट करना नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये कुछ रबर टाइप मटेरियल की एक बिडिंग टाइप आई है, तो वो यहाँ फिट होगी एंड उससे आई थिंक माउंटिंग बढ़िया हो जाएगी। बढ़िया लग रहा है, बस ग्लॉस फिनिश में है वो और बाकी सब कुछ मैट में। गाड़ी छुड़वा ले। हो रही है हैंडल टी एडजस्ट, लॉकिंग नट, बस यही थी वो दिक्कत ऋतिक भाई। परफेक्ट, अब कुदाओ ना बढ़िया। ये लग चुके हैं दोनों पैनियर रेल्स और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बस ये ग्लॉस फिनिश में, बाकी तो मस्त है। बस ये मडगार्ड को पूरा नीचे करना पड़ा और फिर यहाँ से दोनों नट्स अंदर से लगे, और फिट एंड फिनिश पुराने वाले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो दैट इज़ वेरी गुड। एक अलग से यहाँ पे नट भी दे रखा है जिसमें ये फिट हो जाता है, तो ये अच्छी बात है और बढ़िया लग रहा है। इस पर पैनियर्स तो अपने बहुत ही बढ़िया लगेंगे जब इस कलर में रैप हो जाएंगे, सो उनको भी आज दे देंगे। जाएंगे हमारी बीस्ट बढ़िया से वॉश, और फिर वॉश करके हो जाएगी तैयार। अभी कितनी मस्त लग रही है, थोड़ी भरी भरी सी, और मुझे बड़ी बाइक सी अच्छी लगती है, मतलब भरी हुई बाइक सी अच्छी लगती है, तो ये बढ़िया है। जैसे वॉश करवा के और फिर चलते हैं, और इसके बाद लेके आनी है हमें सेकेंड बाइक हमारी पुरानी हिमालयन, तो आज का काम बहुत सारा है। बंदो मैंने सोचा कि यहाँ से रैपिडो पे चले जाता हूँ, मतलब बाइक कैब पे, और अपनी पुरानी वाली हिमालयन को लेके आ जाते हैं, उसमें से कुछ एसेसरीज निकालनी भी है और इसमें लगानी है, तो वो काम भी हो जाएगा जब तक हमारी बाइक अच्छे से वॉश भी हो जाएगी, तो वो बढ़िया चीज़ है। सो अब चलते हैं एंड दूसरी बाइक को लेके आते हैं, तो आज का दिन जो होने वाला है वो बहुत हेक्टिक होने वाला है, तो लेट्स गो, उसमें से मैट डॉग निकाल के इसमें लगाएंगे अपन। सो बंदो चलते हैं एक्सप्लोर के साथ, अब इसमें थोड़े थोड़े से काम करवाने हैं हमें, मतलब कॉन्सेट का एक बेयरिंग चेंज करवाना है ऊपर वाला, और बाकी तो सब बढ़िया है। आगे आई थिंक हवा थोड़ी सी कम है क्या, वो भी दिखवा लेंगे। लेट्स गो चलते हैं। बढ़िया बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अभी तो, और देखो यहाँ चल रहा है पोकेमॉन, बचपन की यादें। सो ऐसी कुछ हालत है हमारी ओल्ड हिमालयन की, एक्सप्लोर की, उसको पूरा एकदम सही कर देंगे, और एक कॉन्सेट वाली एक प्रॉब्लम है, तो कॉन्सेट वाला इशू तो आज ही हो जाएगा, और सारी वायरिंग निकालनी है इसकी, मतलब मैट डॉग एंड ऑल, सो वो प्रोसेस चल रहा है। सो ये जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करवाए थे ये हटा रहे हैं, एंड पीछे का मडगार्ड भी लग जाएगा जो नहीं था, बाकी थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी तो और अच्छी लगेगी।
लेके चल रहा है। सो बंदो कैसी लग रही है हमारी पैनियर रेल्स नई एंड पुरानी वाली जो हमारी बाइक है वो हमने छोड़ दिया और अब चल रहे हैं यहाँ से। ओहो हो हो तो और भारी हो गई है। तो अब चलते हैं यहाँ से, अब बहुत सारे और काम हैं वो निपटाएंगे। लेट्स गो, फ्यूल अप भी करना पड़ेगा। वेरी नाइस, पुरानी बाइक का जो टेल लाइट है वो मुझे एक्चुअली रैप करवाना है एंड इसके रैप के लिए भी पूछना है, आई मीन पैनियर्स का जो रैप होगा। मेरे पैनियर्स हैं ब्लैक एंड उस पर भी बहुत सारे टैटूज एंड स्टिकर्स लगे हुए हैं, सो उसको निकाल के हम इस कलर के करने वाले हैं पूरे और बहुत बढ़िया लगेंगे तब। पर शर्ट बहुत टाइट है यार ऊपर। आड़े तिरछे आते हैं इंदौर में लोग सच में। अरे बाप रे, फाइनल डेस्टिनेशन खेल रहे हैं ये तो। और अभी मैंने टेल लाइट को ब्लैक करवाया जो येलो थी और पता नहीं कैसे कैसे देख रहे हैं लोग। इस बाइक पे भी थोड़े रिएक्शंस तो मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते जितने हमारी एक्सप्लोर पे मिलते थे क्योंकि वो अलग ही चमकती थी येलो। सो वो येलो को ब्लैक करवा दिया, अब उसको मैं पूरी स्टॉक कर रहा हूँ एक्चुअली, और स्टॉक करने के बाद उसको सेल कर दिया है। वैसे तो बहुत ही सैड है लेकिन हाँ सेल कर दिया है और अब हमारे पास सिर्फ ये बीस्ट रहेगी। वो बीस्ट भी हमारे पास ही रहेगी, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड के पास ही जा रही है तो बहुत अच्छी बात ही है वो। एंड अब चलते हैं, वो टेल लाइट दे देते हैं और फिर उसके बाद घर जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि सुबह से मैंने शाम कर दिया, 4 बज गई है और मैं सुबह निकला था ऑलमोस्ट 10 बजे 9:30 बजे मैंने करवा ही दिया है ना, इसके छेद के ही कर दिए है ना, परफेक्ट। चलो बाय बाय, मैंने वही सोचा बोला करवा के काम फिनिश कर देता हूँ मैं। चलो बाय 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 टाटा। तो फाइनली आज के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, अब हमारी नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा एक बढ़िया सी राइड का आसपास की, देन उसके बाद इसकी और भी एसेसरीज जो ऑर्डर कर रखी है वो आने वाले हैं, इसके मिरर्स आने वाले हैं, इसके लेग गार्ड आने वाले हैं, सम्प गार्ड ऑर्डर आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी है और मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना आज इधर उधर 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 भाग भाग के। सो अब फाइनली चलते हैं घर। और आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अगर थोड़े भी इंफॉर्मेटिव लग रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। क्या बात है क्या बात है, आई थिंक वो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, सबसे अच्छी बात। जो खट खट की आवाज़ आ रही थी और वो सस्पेंशन में से थी या फिर ये लॉकिंग नट में से थी मेरे ख्याल से, तो वो अब बढ़िया हो गया, अब मैं कुदा सकता हूँ। वेरी नाइस, वेरी स्मूथ एंड टू मच पावर। सो अब हो चुके हैं एकदम मस्त वाले सस्पेंशन, अब मैं स्पीड ब्रेकर्स पे से भी कुदा रहा हूँ तो कोई फील नहीं हो रहा। ये देखो क्या बात है, बिली उठ जाती है यार इसमें तो, भाई होली खेल के आ रहे हैं यार। अभी तो टाइम है होली में, चलो अच्छा लग रहा है अब कि स्पीड ब्रेकर्स एंड ऑयल पे कोई फील नहीं है, दैट इज गुड। बीस्ट है यार मशीन तो, सीरियसली बहुत बीस्ट है, बस मेरी नज़र ना लग जाए। वैसे तो आज हमने रुद्राक्ष की माला भी पहना दी है जो हमारी पुरानी एक्सप्लोर में थी और वो खरीदी थी हमने रामेश्वरम से। एंड ये विंडस्क्रीन कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना, विंडस्क्रीन इज़ फ्रॉम कार्बन रेसिंग।
सो इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सटेंडर तो और लगाना ही पड़ेगा मुझे लगता है, हाईवे के लिए। बाकी जो हमारे वादियों वाले सेक्शंस रहते हैं उसके लिए तो ये बहुत परफेक्ट है आई थिंक। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है विंडस्क्रीन। एंड मैंने क्लियर इसलिए लिए ताकि हमारे व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए नज़ारे देखने में, क्योंकि जल्दी हम निकलेंगे इतनी मस्त मस्त ट्रिप्स पे, तो सुन मज़ा आएगा। ओए अंकल पागल, क्या लोग हैं यार इंदौर के ना, सच में कहीं से भी रैंडमली कैसे भी आ जाते हैं और चल इस तरफ रहें और देख इस तरफ रहें, ऐसे लोग हैं। सो क्या मस्त लग रही है पैनियर की रेल्स, और अब एक्चुअली लग रही है कि हाँ थोड़ी बाइक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो सही है। ओए कोकू भी आ गया, तो मस्त लग रही है। अब इसके बाद बस क्रैश गार्ड और आ जाए और सम गार्ड आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, क्यों कोकू। सो चलो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर कर देना यार, कमेंट करेंगे तो खुशी मिलेगी। ए कोको नहीं, बाबू नहीं है। बाय बाय।